अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक्सपेरिमेंट जो हमारा है वो है अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। जिस तरह के हम रोजमर्रा जिंदगी में कभी ऐसे बैठे होते हैं और हमारा हाथ कुछ ऐसी डेंजरस चीज के साथ टच हो जाता है तो उसे हम फौरन हटा लेते हैं। ये क्यों करते हैं या ये क्यों होता है, क्या ये हमारे इख्तियार में होता है, क्या बे इख्तियार ही ऐसी चल के ये एक्शन हो जाता है, क्या इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है कि नहीं, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। इंसान के बॉडी में अल्लाह ताला ने दो सिस्टम बनाए हैं। फर्स्ट वन है वॉलंटरी, सेकेंड वन है इनवॉलंटरी। यानी कुछ ऐसे एक्शन है जो हमारे इख्तियार में होते हैं और बाज ऐसे भी होते हैं कि वो हमारे इख्तियार में नहीं होते, वो खुद ब खुद ही हो जाते हैं। जो हमारे इख्तियार में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हाथ में इधर ले जाता हूं, बोलता हूं, चलता हूं या बैठता हूं, ये मेरे इख्तियार में है, इसको कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। और एक ऐसा होता है कि मेरे इख्तियार में नहीं होता, उसको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाता है तो खुद ब खुद ही हाथ हम खींच लेते हैं, पांव है किसी डेंजरस चीज पे जब हम रखते हैं तो फौरन हम इसको उठा लेते हैं, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं होता, इसको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स और इनवॉलंटरी एक्शन। आज हम पढ़ रहे हैं इनकी डायग्राम कि ये एक्शन कैसे होता है और क्यों होता है। फर्स्ट ऑल हम आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी रैपिड एक्शन है अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट हैज प्रोटेक्टिव एक्शन। ये हमें क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क यानी पाथवे। रिफ्लेक्स आर्क द पाथ फॉलोड बाय द नैरो इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। यानी फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड जो है ये बहुत ही हॉट है और मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं और मेरा हाथ इस बोर्ड पे टच हो जाए तो मैं इसको फौरन हटा लेता हूं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जो बोर्ड से इंपल्स जाता है, अभी हम पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन से पास होके स्पाइनल कॉर्ड और वहां से फिर मोटर न्यूरॉन से आके जिस मसल पे भी आ जाता है इंपल्स यानी मैसेज, करंट कहते मैसेज इंपल्स, और वो एक्शन कर लेता है तो इसी पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, बॉडी के कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो ब्रेन ने दिए हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ये एक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन जो है इसे ओनली रजिस्टर कर लेता है। रजिस्टर मींस के जब ही मेरा हाथ इससे टच हो जाए और रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, मींस हटा लेता हूं, तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद होता है कि ये बोर्ड जो है ये डेंजरस है, हॉट है, इसके साथ आपने टच नहीं होना, ये ब्रेन का फंक्शन होता है। आइए आते हैं अब इसकी डायग्राम की। ये हॉट ऑब्जेक्ट यानी शमा मैंने बनाया, ये फिंगर है। फिंगर में क्या होते हैं, फिंगर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसी द स्किन
स्किन में रिसेप्टर होते हैं। अब ये स्किन के रिसेप्टर जो है ये इंपल्स देता है किसको, सेंसरी न्यूरॉन को। ये रेड जो मैंने बनाया है, ड्रॉ किया है, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। हॉट ऑब्जेक्ट है, स्किन के साथ टच हुआ, स्किन में रिसेप्टर है, रिसेप्टर मैसेज देता है, इंपल्स देता है, करंट देता है सेंसरी न्यूरॉन को, एफरेंट, जिसे हम एफरेंट भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से इंपल्स होते हुए ये एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन जो है ये डोर्सी रूट है, दिस इज द डोर्सी रूट। इंपल्स जाएगा डोर्सी रूट से, एफरेंट जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडी, इससे होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में एक और न्यूरॉन प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन से सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आया इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन ने मैसेज पास किया मोटर न्यूरॉन, दिस इज द मोटर न्यूरॉन, जिसे हम इफरेंट भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन से मैसेज आते अदर आते आते कहां जाएगा, मसल को, जो भी मसल है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, एनी मसल हो सकता है, और ये मसल जो है ये क्या कर लेगा, कंट्रैक्शन करेगा। जब ये मसल कंट्रैक्ट होगा तो हम हाथ को हटा लेते हैं, लेकिन ये हमारे इख्तियार में इनवॉलंटरी रैपिड एक्शन होता है। ये मसल जो है ये कंट्रैक्ट कर लेगा, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्टर मसल। दोबारा रिपीट करता हूं, फिंगर में रिसेप्टर होते हैं, स्किन में हॉट है, डेंजर सिचुएशन है, जो भी हो सकता है, इंपल्स जाएगा सेंसरी न्यूरॉन में यानी डोर्सी रूट में। क्वेश्चन आ सकता है कि इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन कौन से साइड में जाएगा, डोर्सी रूट में। इंपल्स जाएगा सीधा सेल्फ बॉडी ऑफ एफरेंट, दिस इज द एफरेंट साइड एंड दिस इज द इफरेंट साइड। मैसेज पास कराए किसको, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है इंटर न्यूरॉन, जो कहां होती है, ग्रे मैटर में, दिस इज द ग्रे मैटर। इंटर न्यूरॉन ने मैसेज पास किया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन मैसेज ला रहा है कहां पे, मसल को। मसल का क्या फंक्शन होगा, कंट्रैक्शन। ये मसल को हम कहते हैं इफेक्टर। स्टार्ट कहां से हुआ, फिंगर से। मैसेज कहां चला गया, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन नहीं, ब्रेन क्या कर लेगा, ब्रेन इसे ओनली रजिस्टर कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा,